अच्छा, लास्ट वीडियो तक हम लोग देख रहे थे बाइल जूस के बारे में देख रहे थे, आज हम देखने वाले अग्नाशय जूस के बारे में। हमने बात की थी अग्नाशय जूस का स्त्रवण कहाँ किया जाता है, अग्नाशय के द्वारा किया जाता है। लेकिन अग्नाशय में भी क्या होती है, बहुत सारी कोशिकाएँ होती है, आपने पढ़ा होगा अल्फा बीटा ऐसी नई कोशिकाएँ। अल्फा कोशिकाएँ ग्लूकागोन का स्त्रवण करती है, बीटा कोशिका इंसुलिन का स्त्रवण करती है, ठीक है ना। ऐसे ही होते हैं ऐसी नाई की कोशिकाएं जो कि क्या करती है, अग्नाशय रस को स्त्रावित करती है। क्या होता है, दुर्बल क्षारीय द्रव होता है, ठीक है ना। अग्नाशय रस का स्त्रवण ऐसी नाई की कोशिका अग्नाशय की ऐसी नहीं कि कोशिकाओं द्वारा द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, अभी हमने देखा, ये क्या होता है, एक दुर्बल क्षारीय द्रव होता है। अग्नाशय रस एक दुर्बल वीक क्षारीय द्रव होता है, ठीक है ना। इसका अगर एक बात की जाए, केमिकल कंपोजिशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, अगर बात की जाए टोटल अमाउंट की, टोटल अमाउंट होता है लगभग 500 ml से लेकर 800 ml पर डे, ठीक है ना। एक दिन में कितना, 500 से 800 ml के आसपास हो सकता था। यदि बात की जाए इसका pH की, pH होता है इसका 8, ठीक है ना, जो कि क्या है, यहाँ पे एक वीक एल्केलाइन मीडियम प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। साथ ही साथ इसमें पाए जाते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हम लोग देख सकते थे क्या हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, क्लोरीन हो, ठीक है ना, हाइपोकार्बोनेट हो सकते हैं एक्सेट्रा का, ठीक है ना, जो कि क्या करते हैं, इसको क्षारीयता प्रदान करने का कार्य करते हैं। वाटर की बात की जाए तो इसमें लगभग 98% तक क्या होता है, 98.5% तक क्या होता है, वाटर पाया जाता है, ठीक है ना। फिर होते हैं बात की जाए ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की, ठीक है ना। इसमें पाए जाते हैं ट्रिप्सिनोजन, जो कि क्या करते हैं, ट्रिप्सिन में चेंज हो जाता है। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, अमीनोपेप्टाइडेज, ठीक है ना, एमाइलेज क्या होता है, एंजाइम होता है जो कि स्टार्च को परिवर्तित कर देता है ग्लूकोज में, माल्टेज सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज एक्सेट्रा एंजाइम पाया जाए। यदि बात की जाए फर्स्ट ट्रिप्सिन की, ठीक है ना, ट्रिप्सिनोजन क्या करेगा, ट्रिप्सिनोजन ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है भोजन के अंदर, किस रूप में पाया जाए, इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाए। इस पर एक एंजाइम कार्य करता है एंटेरोकाइनेज, जो कि क्या कर देता है, ट्रिप्सिन में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ये क्या होती है, इसकी एक्टिव फॉर्म होती है,
क्या होती है, इसकी एक्टिव फॉर्म होती है। और ये ट्रिप्सिन क्या करता है, जितने भी प्रोटीन होते हैं उनको पॉलीपेप्टाइड या डाईपेप्टाइड में चेंज करने का काम करता है। यहाँ पे प्रोटीन ले सकते थे, अब ये प्रोटीन को ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन ठीक है ना, किस में चेंज कर देगा प्रोटीन को, पॉलीपेप्टाइड में, या कह सकते हैं हम लोग डाईपेप्टाइड में, मतलब प्रोटीन को तोड़ने का कार्य करता है। इसको यहाँ लिख सकते हैं हम लोग ट्रिप्सिनोजन, प्रोटीन अणुओं पर कार्य करके, प्रोटीन अणुओं पर कार्य करते करके उन्हें तोड़ने का कार्य करता है, ठीक है ना, उन्हें क्या करेगा, तोड़ने का कार्य करता है। तो जाती है बात किसकी, ट्रिप्सिनोजन की। अब बात की जाए यदि सेकंड एंजाइम होता है कीमोट्रिप्सिनोजन, जो भी क्या करता है, ये क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है, जो जो कि ट्रिप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में कीमोट्रिप्सिन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है कीमोट्रिप्सिनोजन, ये ट्रिप्सिन एंजाइम से किसमें, कीमोट्रिप्सिन में कीमोट्रिप्सिन में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब ये कीमोट्रिप्सिन प्रोटीन को, कीमोट्रिप्सिन कीमोट्रिप्सिन प्रोटीन को किसमें, पॉलीपेप्टाइड में, या कह सकते हैं हम लोग मोनोपेप्टाइड बोल सकते हैं, या डाईपेप्टाइड में क्या कर देगा, इन्हें तोड़ने का कार्य करता है। इसका मतलब ये हुआ, ये क्या करता है, दूध को, दूध में जो पाया जाता है एंजाइम रेनिन पाया जाता है, उसको दही में परिवर्तित करने की क्षमता रखने वाला एंजाइम है, ठीक है ना। इसी प्रकार से होते हैं एमाइलेज, थर्ड नंबर पर आता है एमाइलेज, ठीक है ना। एमाइलेज के लिए हमने पहले ही बोला है किस पे काम करता है, स्टार्च पे काम करता है। स्टार्च को किस में, माल्टोज में क्या कर देता है, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने का कार्य करता है, ठीक है ना। स्टार्च को किस में, माल्टोज में क्या है, परिवर्तित करने का कार्य करेगा। अब यहाँ पे पाया जाता है एक एंजाइम माल्टेज, कौन सा एंजाइम, माल्टेज पाया जाता है, जो कि माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज कर देता है, माल्टेज, ठीक है ना, माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करता है, माल्टेज एंजाइम, ठीक है ना। अब इसी के साथ ऐसे ही एंजाइम पाया जाता है सुक्रेज, सुक्रेज एंजाइम, जो क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। इसी प्रकार से होता है लैक्टेज, लैक्टेज एंजाइम क्या होता है, लैक्टोज जो शुगर पाई जाती है दूध में, मिल्क शुगर, लैक्टोज को लैक्टेज एंजाइम में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। लाइपेज एंजाइम मुख्य रूप से कार्य करता है, यहाँ पे लाइपेज का काम होता है वसाओं पर क्रिया करना, वसाओं पर क्रिया करना तथा वसीय अम्ल को, तथा वसीय अम्ल को ग्लिसरॉल, क्योंकि हमने बात की थी पहले भी, वसा किससे मिलकर बनी होती है, वसीय अम्ल
प्लस ग्लिसरॉल से मिलकर क्या होती है यहाँ पे बनी हुई थे, वो तो उसमें किसमें ग्लिसरॉल में क्या कर देते हैं यहाँ पे तोड़ सकते हैं, कह सकते हैं ग्लिसरॉल तथा डाइग्लिसराइड में तोड़ता है, ठीक है ना। ओके, कीमोट्रिप्सिन ओजन, ठीक है, ट्रिप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में कीमोट्रिप्सिन में चेंज हो जाता है, जो कि क्या करता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड या डाइपेप्टाइड में तोड़ देता है। एमाइलेज स्टार्च पर कार्य करती है, माल्टोज में चेंज कर देता है, माल्टेज एंजाइम माल्टोज पर क्रिया करके ग्लूकोज में चेंज कर देता है। इसी प्रकार से सुक्रोज को पर सुक्रेज एंजाइम क्रिया करके ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ देता है, क्योंकि सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, ठीक है ना। तो दो बराबर यौगिक यहाँ पे बन जाते हैं। लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज, जो कि क्या होती है मिल्क शुगर होती है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है, उस पर क्रिया करके ग्लूकोज और गैलेक्टोज में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। ये होता है आपका क्या अग्नाशय रस या कह सकते हैं हम ग्रहणी में पाचन, ठीक है ना। उसके बाद में हमने बात की थी ग्रहणी में, हमने बोला था भोजन को, हमने बोला था काइम, क्या बोला था काइम बोला था। यहाँ पे आगे भोजन कहाँ पे पहुँच जाता है आंत्र में इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है, जहाँ पे क्या बोला जाता है इसे काइल बोला जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका आंत्र में भोजन का पाचन, डाइजेशन ऑफ फूड, फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना, डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने बात की थी ग्रहणी की, ग्रहणी में क्या होता है भोजन काइल के रूप में काइम के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे क्या होगा छोटी आंत में भोजन आने के बाद इसे बोला जाता है काइल। अर्धपचित भोजन ग्रहणी में, ग्रहणी के द्वारा छोटी आंत में प्रवेश करता है तथा इसे यहाँ काइल कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे इसे क्या बोला जाता है काइल कहा जाता है, जहाँ पे क्या होता है इसका अपघटन होने की क्रिया होती है, ठीक है ना। छोटी आंत्र में भोजन का अपघटन होता है तथा इसे सरल अवस्था में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है ना। इसे क्या किया जाएगा यहाँ पे छोटी मतलब सरल अवस्था में परिवर्तित किया जाएगा। अब बात की जाए थी छोटी आंत के स्मॉल इंटेस्टाइन की बात की जाती है, तो इसमें क्या होती है दो प्रकार की ग्रंथियाँ मिलती हैं। फर्स्ट होती है ब्रूनर्स ग्लैंड, ये क्या करती है जितनी भी ग्रहणी है उसकी सतह पर क्या बनाई जाती है श्लेष्मिका म्यूकस लेयर का निर्माण करती है, ठीक है ना। और साथ ही साथ क्या करेंगी, साथ ही साथ इसमें क्या करेंगी कुछ क्षारीय पदार्थों को स्त्रावित करेंगी, जिसमें क्या होगा म्यूसिन पाया जाए और प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम पाए जाए, ठीक है ना, प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम पाए जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं हम छोटी आंत्र में स्मॉल इंटेस्टाइन में दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है ना। ए फर्स्ट होती है ब्रूनर्स ग्लैंड, ब्रूनर्स
ग्रंथि। ब्रूनर्स ठीक है, ये क्या करती है, क्षारीय पदार्थ को, क्षारीय पदार्थ का स्त्रवण जो कि म्यूसिन तथा प्रोटीन का विघटन करने वाला होता है, ठीक है ना। जो कि क्या करेगा, म्यूसिन का, जो कि क्या कर रहा था, म्यूसिन हमने देखा था कहाँ पे पाई जाती है, ग्रहणी की सतह पर पाई जाती है, ठीक है, ड्यूडेनम में पाई जाती है। सेकंड बी आता है आंत्रिय इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ठीक है। इनका काम होता है, इनमें क्या पाई जाती है, छोटी छोटी लीवर कुन की क्रिप्ट ऑफ लीवर कुन लीवर कुन की गुहाएं पाई जाती है, जो कि क्या करती है, बीच में इसमें जिसमें वृषांकुर पाए जाते हैं, जो कि बहुत सारे एंजाइमों का और श्लेष्मीय पदार्थ का करती है सेक्रेशन करती है, ठीक है ना। आंतरिक ग्रंथि इन्हें लीवर कुन की प्रगुहिकाएं क्रिप्ट ऑफ कहा जाता है, जिसमें रसांकुर, जिसमें क्या पाया जाता है, रसांकुर या माइक्रोविलाई जिसे बोला जाता है, जो कि क्या करती है, इसके अवशोषण क्षमता को बढ़ाने का कार्य करती है, ठीक है। रसांकुर पाए जाते हैं जो कि श्लेष्मा व अनेक प्रकार के एंजाइम को स्त्रावित करते हैं, ठीक है ना। जो कि करेंगे श्लेष्मा और अन्य प्रकार के एंजाइम को करने में स्त्रावित करेंगे, ठीक है। अर्थात ये कह सकते हैं, ये दोनों पदार्थ का मिला के बोल सकते थे, आंत्र के द्वारा रिलीज हो रहे हैं, इसीलिए हम इसको बोल सकते थे आंत्रीय रस। दोनों ग्रंथियों से स्त्रावित रस को आंत्रीय रस या इंटेस्टाइनल जूस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंटेस्टाइनल जूस कहा जाएगा, ठीक है। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।